जयपुर में संक्रमितों की संख्या 105 तक पहुंच गई है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लिहाजा भीलवाड़ा से सबक लेते हुए यहां उसी तर्ज पर हालात को काबू में करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यहां लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के मकसद से परकोटे इलाके के 7 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के वॉर रूम से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। तो जयपुर में भीलवाड़ा की तरह लॉकडाउन का पालन होगा। और हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, जिस तरह से कोरोना से लड़ने में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है, अब इसे क्या पूरे राज्य में लागू करने की बात हो रही है, और जयपुर में खासकर जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह पालन किया जाएगा इसका? जी देखिए, भीलवाड़ा मॉडल की बात करें तो सबसे पहले दिन यानी कि 19 मार्च को जब वहां पर 6 मामले आए थे तो उसी के साथ वहां पर सख्ती बरतनी शुरू हो गई थी। पहले कर्फ्यू लगा दिया गया था 19 मार्च से कर्फ्यू, जबकि 22 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, 19 मार्च से भीलवाड़ा में कर्फ्यू था। यही कारण था कि 27 के बाद वहां कोई आंकड़ा नहीं बढ़ पाया। अब भीलवाड़ा में स्थिति पूरी तरह सामान्य है, बावजूद इसके वहां महाकर्फ्यू चल रहा है। महाकर्फ्यू मतलब और भी ज्यादा सख्ती, लोगों से और भी ज्यादा यह कहा गया कि कुछ और दिन में इसी तरह की सहयोग करते हुए अपने घरों के अंदर रहना पड़ेगा। जयपुर की बात जहां तक करें तो 107 कोरोना पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं केवल जयपुर शहर में, और अब काफी लेट हो गया है भीलवाड़ा मॉडल को फॉलो करने में। लेकिन कोशिश की जा रही है कि उसी तर्ज पर जिस तरह भीलवाड़ा में इसे नियंत्रित किया गया था, उसी तर्ज पर यहां पर भी कुछ सख्तियां लागू करे। और सरकार की कोशिश भी यही है और बार बार यही करिए कि भीलवाड़ा मॉडल को भी के तरह ही यहां पर जयपुर में भी सख्ती की जाएगी, ताकि यहां पर एक पर्टिकुलर जो रामगंज का इलाका है वह सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। वहां पर 107 मामलों में से 100 मामले सामने आए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक 20-25 हजार की जनसंख्या वाला एक रामगंज इलाके से इतने सारे मामलों का सामने आना निश्चित तौर पर सरकार के लिए परेशानी का सबब है। और अब यही कारण है कि अब यहाँ पर महाकर्फ्यू की सरकार बात कह रही है। हालांकि अभी यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है पिछले 11 दिनों से और सरकार उसे नियंत्रित